संभल की शाही मस्जिद के बाद और अब अजमेर शरीफ दरगाह को भी हिंदू मंदिर होने का दावा कर दिया है। बड़ी बातें ये है कि कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की आंच अभी शांत नहीं हुई है कि राजस्थान के अजमेर से आई खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अयोध्या की बाबरी, मथुरा की शाही ईदगाह, बनारस की ज्ञानवापी और अब विश्व विख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि कोर्ट आगे सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए कानून हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि यह मामला धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ है, जिसके समाधान के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप आवश्यक है। कोर्ट द्वारा वाद को स्वीकार करने के बाद यह मामला और अधिक गंभीरता से देखा जा रहा है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपने पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, जहां पक्षों के तर्क और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। इस विवाद ने सामाजिक और धार्मिक स्तर पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि यह मामला हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। वहीं दरगाह के प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इससे पहले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर बीते मंगलवार को सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने 27 नवंबर यानी आज की तारीख दी थी। विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका में दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर एक खास किताब पेश की हुई थी। इस किताब के हवाले से यह दावा किया गया था कि दरगाह में एक हिंदू मंदिर है। ये किताब अजमेर निवासी हर विलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी गई थी। इस किताब का हवाला देते हुए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। इस शिव मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश है। यही नहीं, दरगाह के तहखाने में गर्भगृह है। अब सवाल यह उठता है, क्या अजमेर शरीफ दरगाह सच में पहले एक शिव मंदिर था या बस ये किसी की मनगढ़ंत कहानी है? अगर वहाँ था तो क्या वहाँ फिर से एक बार फिर हिंदुओं के लिए शिव मंदिर बनेगा? अगर कोर्ट के सर्वे में हिंदू पक्ष की बातें सही होती हैं तो कहीं ना कहीं देश में तूफान आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है, मंदिर था या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।